तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मन्नो की स्टोरी का पार्ट 11 कवर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी एक ऐसे एंजल के बारे में है जो उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद बदला लेना चाहता है। इस स्टोरी के 10 पार्ट्स मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं, तो जिन लोगों ने अभी तक पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है वो जाकर पहले पहले के पार्ट्स को देखे, ताकि आप आज की वीडियो को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सके। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और पहले के पार्ट्स को देखकर वापस आइए। इस कमाल की स्टोरी के क्रिएटर हैं वाटामोटो। उनके वेबसाइट, ट्विटर और इंस्टा का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास को कवर कर चुका हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी फैन मांगास सीक्वेंस मिल जाएंगी, तो जाइए अपनी फेवरेट मांगा देखिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो मुझे जाके फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जी वॉरियर्स वीस के अंडर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और फाइनली वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो मन्नो के खिलाफ काम कर सकती है। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को ट्रेन कर रहे होते हैं और आखिरकार वेजिटा की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और अपनी मैक्सिमम पावर में चला जाता है। वो बोलता है कि प्रीस्ट, अब तुम मरने वाले हो। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा से बोलते हैं कि वेजिटा, मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी मैक्सिमम पावर पे हो, पर मुझे अफसोस है कि ये पावर मेरे खिलाफ काफ़ी नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को बोलते हैं कि वेजिटा, लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे और मेरे लेवल में क्या फ़र्क है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि उन्होंने वेजिटा के पेट में एक बहुत ज़ोरदार पंच मारा हुआ है और वेजिटा इस पंच को देख भी नहीं पाया। ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि वेजिटा के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि इससे वेजिटा की जान निकल चुकी है। वेजिटा दर्द से कराहा होता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ दिखा नहीं, अभी ये क्या हुआ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से वेजिटा के पीछे चले जाते हैं और बोलते हैं, वेजिटा अगर ये तुम्हारी मैक्सिमम पावर है तो मुझे माफ़ करना, तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को बहुत ज़ोरदार पंच मारते हैं और वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। दोस्तों, वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में है और अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इसके बावजूद वो ग्रैंड प्रीस्ट को देख भी नहीं पा रहा है। इसके बाद हम फिर से ओल्ड ओमनी के यूनिवर्स में आ जाते हैं और ओल्ड ओमनी गोकू से बोल रहे होते हैं कि गोकू, मेरी बात ध्यान से सुनना, अपनी बॉडी को खुद मूव करने दो। अगर तुम ये सोचते रहोगे कि तुम मरनों से हार जाओगे तो तुम मरनों से ज़रूर हारोगे। याद रखना, इस दुनिया के रूल्स तुम्हारी दुनिया से अलग हैं, तो तुम्हें इस मरनों पर रहम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस लड़ाई पे फोकस करो और मुझे विश्वास है कि तुम उसे हरा पाओगे। गोकू अटैक के लिए तैयार हो जाता है और खुद से बात करता है। वो बोलता है कि मुझे इस पर बहुत ध्यान से अटैक करना होगा, मुझे कोई ओपनिंग नहीं दिख रही है। मन्नो गोकू से बोलता है कि क्या हुआ मॉडल, तुम डरे हुए लग रहे हो। इसके बाद हम स्पेस में आ जाते हैं जहाँ पर असली मन्नो छुपा हुआ होता है। मन्नो खुद से बोलता है, लगता है मुझे इन लोगों को एक साल देना पड़ेगा ताकि ये बेहतर तरीके से तैयार रह सकें। इसके बाद मन्नो बोलता है कि पर अगर हम वेजिटा को देखें तो वेजिटा 6 महीने में तैयार हो सकता है, वो 6 महीने में एक बहुत ही कमाल का वॉरियर बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेस में एक नहीं बल्कि 12 मन्नो होते हैं, जिनमें से एक मन्नो बोलता है कि मैं उससे लड़ने के लिए 6 महीने इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से उन्हें 1 महीना देना काफ़ी रहेगा। तभी एक दूसरा मर्नो बोलता है कि 1 महीना बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 1 हफ्ता देना काफ़ी रहेगा, मैं बस यहाँ बैठे बैठे एक मॉडल के ताकतवर होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। तभी एक तीसरा मर्नो बोलता है, जो कि बहुत ही शांति से बैठा होता है, वो बोलता है कि सभी शांत हो जाओ, हमें उन्हें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। वो बोलता है कि हमारा गेम अभी बस शुरू ही हुआ है और उन्हें हमारे गेम के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, हमें अपना बदला लेने का सही समय मिलेगा, तब तक उन्हें उम्मीद करने दो कि वो हमसे जीत सकते हैं। अभी तक हम सभी को यही लग रहा था कि मर्नो बस एक है, पर यहाँ पर काफ़ी सारे मर्नो हैं और ये शायद उन्हीं डार्क टेक्निक की वजह से है जिसके बारे में वी समय बता रहा था। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे मर्नो गायब हो जाते हैं और एक मर्नो रह जाता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि वेजिटा ने उसे ट्रेनिंग लेने के लिए मना कर दिया था, पर अब जब ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहा तो वेजिटा मान गया। मर्नो अपने मन में बोलता है कि मैं मॉर्टल्स को ग्रो करते हुए देखना चाहता था, जब से मैंने वेजिटा को ढूंढा है तब से मैं उसे ट्रेनिंग देने के सपने देख रहा था, मैं उसका पोटेंशियल देखना चाहता था, लगता है वेजिटा को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वो मेरे फादर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान गया। मेरे फादर मुझसे वो हर चीज़ छीन लेते हैं जो मैं करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि मर्नो को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ऐसे ही हैं, उन्होंने कभी भी किसी मॉडल को ट्रेनिंग नहीं दी, तो अब वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही रहमदिल हूँ, तभी मैंने उन मॉडल्स को छोड़ दिया, मुझे उन्हें पहली बारी में ही ख़त्म कर देना चाहिए था, मैं इन सब चीज़ों को जल्दी अपने कंट्रोल में ले आऊँगा, मैं फिलहाल बस ये देखना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है।
और जैसे ही मुझे ये पता चल जाएगा मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक कि ज़ेनोसामा को भी। तभी मरनो को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लिमिट पर हूँ, मैं अपने भाई और फादर को अपना प्लान बर्बाद करने नहीं दे सकता। उन लोगों ने मेरा साथ जब छोड़ा था जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़ेनो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद भी ग्रैंड प्रीस्ट और मेरे भाई बहन सब उसके साथ खड़े रहे। मैं सबको एक एक करके तबाह कर दूंगा और मेरी शुरुआत यूनिवर्स 7 से होगी, यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर मॉडल को हरा के। इसके बाद गॉड्स, एंजल्स, फिर ग्रैंड प्रीस्ट और आखिर में मैं ज़ेनोसामा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद हम वीरस के प्लैनेट पे देखते हैं कि वीज गोहन को बोलते हैं कि गोहन तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा है, इस प्लान की वजह से तुम लोगों के मरनों के सामने सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भले ही ये प्लान थोड़ा अजीब है पर अगर इस प्लान को सही तरीके से फॉलो किया गया तो तुम वेजिटा का साथ दे सकते हो। तुम सभी लोगों की ताकतें जब साथ में मिल जाएंगी तो तुम शायद वेजिटा का साथ दे पाओगे। वीस और गोहन बात कर ही रहे होते हैं तभी बीरस के प्लान पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सब हैरान रह जाते हैं। वीस बोलता है कि लगता है ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटा अभी भी लड़ रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वेजिटा अभी तक जिंदा है। गोहन बोलता है कि अगर हमें वर्णों को हराना है तो वेजिटा के लिए ग्रैंड प्रीस्ट की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीस तुम्हारे डैड तो कमाल के हैं, मैंने आज तक वेजिटा को कभी भी इतना इंटेंस नहीं देखा है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अभी भी वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वेजिटा ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि वेजिटा उठो, तुम अभी लड़ सकते हो, अभी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझसे लड़ो। वेजिटा बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। वेजिटा की हालत बहुत ख़राब लग रही होती है, वो बोलता है कि प्रीस्ट तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि एक मॉर्टल होने के बावजूद तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, हमने काफ़ी लंबे समय तक ट्रेनिंग नहीं करी है, इसके बावजूद भी तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। हालांकि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ पर फिर भी मुझे तुमसे लड़ते लड़ते पसीना आ गया है, जिसका मतलब ये है कि तुम काफ़ी ताकतवर हो चुके हो। वेजिटा उठो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो। वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि प्रीस्ट मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो पर ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा। मैंने आज तक जितने भी अपोनेंट्स को फेस किया है तुम उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, पर ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया हूँ, मैं तुम्हें हराऊंगा और उस मरने को भी। चलो फिर से शुरू करते हैं। वेजिटा के इतना बोलते बोलते ही एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट के सामने से गायब हो जाते हैं और वेजिटा बोलता है कि प्रीस्ट अभी तो ग्रैंड प्रीस्ट मेरे सामने ही खड़े थे, वो कहाँ चले गए, मैं अभी बस उन्हें ही देख रहा था पर वो एकदम से गायब हो गए, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने सब कुछ बदल जाता है और वो एकदम से कहीं और पहुंच गया है। हम देखते हैं कि वेजिटा के ऊपर मरनो उड़ रहा होता है। मरनो बोलता है कि वेजिटा लगता है मैंने तुम्हारा कोई काम इंटरप्ट कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ काम कर रहे थे, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा काम मैं ही ख़त्म करूँगा। वेजिटा बोलता है कि मरनो तुमने क्या किया, तुम्हें कैसे पता चला कि हम कहाँ थे। तभी मरनो वेजिटा की एनर्जी को देखता है और बोलता है कि वेजिटा लगता है मेरे फादर के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग ने काफ़ी काम किया है, तुम्हारी ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे इस बात का थोड़ा बुरा लगा कि तुमने मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए मना कर दिया था पर फिर भी तुम मेरे फादर से ट्रेनिंग लेने के लिए मान गए, चलो कोई बात नहीं, पहले तो मैं तुम्हारा टीचर बनना चाहता था पर अब मैं बस तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो तो मैं तुम्हारी नई ताकतों की लिमिट्स देखना चाहता हूँ। चलो वेजिटा अब फाइट शुरू करते हैं, कहीं तुम भूले तो नहीं हो ना, ये वही जगह है जहाँ पर हमने अपनी फाइट को एंड किया था और जहाँ पर तुम्हारे फाइनल फ्लैश ने तुम्हें घायल किया था। पिछली बारी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था पर इस बारी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मुझे लगता है कि तुम्हें याद होगा कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, तुम्हारी वाइफ और वेस्ट सिटी के सभी लोग अभी भी मेरे कब्जे में हैं, अगर तुम मुझे टक्कर नहीं दे पाए और मैं तुम्हारी ताकत से खुश नहीं हुआ तो वो सब मिट जाएंगे। और हाँ चिंता मत करना, मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, उन्होंने वीस से ट्रेनिंग ली है और वो भी मुझसे लड़ना चाहते थे तो मैं भी उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, वो सब चाहें तो सब के सब मुझ पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने ग्रैंड प्रीस्ट और वीस को यहाँ से दूर रखा है, मैंने एक बहुत ही ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल किया है जिसे तोड़ने में उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा पर मुझे लगता है कि वो यहाँ पर एक घंटे तक में पहुँच जाएंगी, पर चिंता की बात नहीं है, तब तक मैं तुम सबको मार चुका हूँगा, मेरा खेल अभी भी जारी है जैसा कि मैंने पहले कहा था वेजिटा, तो अब तुम सब मुझ पर एक साथ अटैक कर सकते हो, चलो शुरू करते हैं। वेजिटा पहले के मुकाबले काफ़ी ताकतवर हो गया है, हालांकि हमें ये नहीं पता है कि वेजिटा कितना ताकतवर हुआ है पर मरनो उसकी ताकत को एक्नॉलेज कर रहा है, यानी वो जानता है कि वेजिटा कितना ताकतवर है और वो उसे टक्कर दे पाएगा या नहीं। इस बार हमारे सारे जी वॉरियर्स वेजिटा का साथ देने के लिए वहीं पर हैं तो इस फाइट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।